मुरादाबाद स्थित कांट रोड पर योगी पुलिस के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने एक युवक की बॉडी रखकर जाम लगा दिया और देखते ही देखते कुछ देर में दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। दरअसल हंगामा कर रहे पीड़ित परिवार ने थाना भोजपुर की 112 पुलिस पर उनके बेटे भूपेंद्र पांडे को थर्ड डिग्री देकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए कांट रोड स्थित विवेकानंद हॉस्पिटल के सामने बॉडी रखकर जाम लगा दिया और योगी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हत्यारी पुलिस को गिरफ्तार करने की मांग की जाने लगी। मृतक भूपेंद्र पांडे के पिता ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि पति पत्नी के झगड़े में मेके वालों ने पुलिस बुलाकर उनके बेटे की हत्या कराई है। उसे गाड़ी से ले जाते समय ही थर्ड डिग्री दी गई जिससे उसकी मौत हो गई, जिसकी जिम्मेदार मुरादाबाद पुलिस है। काफी देर चले हंगामे की सूचना पर एसपी देहात भी मौके पर पहुंच गए और कार्यवाही की बात करते हुए बड़ी मुश्किल से जाम खुलवाया। एसपी देहात ने इस मामले की जांच करते हुए आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही की बात कही है। मेरे लड़के का मियां बीवी का झगड़ा हो गया थोड़ा सा, उसके बाद उसने अपने भाई को फ़ोन कर दिया, भाई ने 100 नंबर को फ़ोन कर दिया, 100 नंबर वालों ने मेरे लड़के को अच्छा खासा उठा के लाए और गाड़ी में मार दिया, मियां बीवी के झगड़े में मार दिया। एक बार सोचो कोई कत्ल का मुकदमा डकैती का मुकदमा है तो लाओ, और मेरा एक लड़का प्रधान है, एक लड़का प्रधान है, तब उसके पास जा रहा था, मेरे भाई से बात करा दो। अरे भैया गाँव सिहल थाना भोजपुर, यार तुम कैसे प्रेस वाले हो, बता तो रहा हूँ मैं। आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या चाहें बताओ। जिसने मारा है, जो 100 नंबर वाले थे, उन 100 नंबर वाला बुला बुला के यहाँ पे 100 नंबर पुलिस लाएगी। अगर अगर मैं कत्ल कर देता नहीं, अगर ये मेरा लड़का कत्ल कर देता तो मेरे पूरे परिवार को ही उठा लाते, मेरे पूरे परिवार को उठा के लाके बंद कर देते। अब तक तो गाँव में ही मारा था, गाँव में मेरे बच्चों के सामने मारा है। घर से सही लेकर आ रहे थे रास्ते में, बता दो कोई बात नहीं। मेरा नाम दीपक पांडे। किसका? इनका, भूपेंद्र पांडे जी। सर बता दे, भाई को बैठाया ठीक है कार में, ये लोग लेकर आ रहे थे, उसके बाद हमको नहीं पता क्या हुआ, यानी इनके भाई के जब ये चढ़ लेते तो लाते मारी थी एक ने, यानी एक ही वो था बंदा, और डंडे मारे थे, हमने नहीं बुलाई थी सर, वाइफ के भाई ने भेजी थी जी। हाँ घरेलू हो जाती है आपस में, क्या दिक्कत है। ये थाना क्षेत्र भोजपुर में एक पारिवारिक विवाद में यूपी 112 की गाड़ी पहुंची थी और परिजनों का आरोप है कि यूपी 112 के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है और दुर्व्यवहार के फलस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इस संबंध में जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जो भी हमारा दोषी कर्मचारी होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। परिजनों को आश्वासन दिया गया है, जांच के आश्वासन पर परिजनों द्वारा जाम खोल दिया गया है, यातायात व्यवस्था समान रूप से चल रही है।